एंकर यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी में डूबी नाव की खबर सुन पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए लापता हुए लोगों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया है। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लापता लोगों की तलाश के टीम रेस्क्यू कर खोज करे। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बहुत दुखद घटना है जिसमें एक मां अपनी बच्ची के लिए झालंग लगा दिया लेकिन दोनों नहीं बच पाए, वहीं एक महिला का बच्चा भी नहीं बच पाया। यह सब देखकर बहुत आहत है। आज उनके परिजनों स्व बांदा जनपद में भी मिलकर आए हैं। क्या नाम था, कौन है आपके भाई जो यहाँ यमुना नदी में कैसे डूब गए? हमारा नाम रमेश, हमारे भाई का नाम राजू। वो गए थे मिर्जापुर ससुराल, वहाँ से वापसी आ रहे थे। वापसी में उसमें 50-55 थे, 8-9 मोटरसाइकिल थी, उसमें दारू भी पी रखे थे जो उधर से लेकर आए थे। केवट ये सब लापरवाही हुआ है। फिर इधर आने से हम जब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ की प्रशासन कुछ भी नहीं की है, सब देख रहे हैं। ठीक है, कुछ जानकारी मिलेगी आपसे बताएंगे, ना इधर से कोई जाने दे रहे हैं। ठीक है, सब यहाँ रात हो गई है, अपने फतेहपुर पुलिस यहाँ पर खोजबीन नहीं करवा, नहीं कुछ भी नहीं किया है ना कोई यहाँ। ये घटना हुई जो नाव डूब गई है, दीदी आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ देखा, क्या यहाँ पर स्थिति है? ये शहरिया की कानपुर और अमीर फतेहपुर और बांदा की ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और अभी ये भी नहीं पता लग रहा कि सिर्फ फतेहपुर और बांदा की अकेले हैं और कहीं के भी हो सकते हैं। जब 30-40 लोग थे जिसमें, अभी मैंने लखनऊ भी बात करी है, प्रयागराज भी बात की है, बड़े स्टीमर जो होते हैं उनको भेजे हैं बड़ा जाल लेकर। आश्चर्य है कि नौका नहीं मिल पा रही। नौका मिल जाए तो पता चले कि नौका की जगह फिर डेड बॉडी कहाँ गई। अभी मैंने उनको लगाया कि ये जहाँ गाँव वाले लोगों ने कहा थी डेड बॉडी उधर मिली, कल जो डेड बॉडी मिली है उधर ही मिली थी, तो आज नौका है उधर गई। हमारे डीएम और एसपी महोदय ने इधर पूरा किशनपुर वगैरह जहाँ जहाँ लगाया जा सकता है नौका भी लगी है, जाल भी लगा हुआ है, क्योंकि जवाबदेही ज़्यादातर बांदा जनपद की थी। बताना चाहिए इनको, बताना चाहिए कि आपका हमें सहयोग चाहिए। ये फतेहपुर और बांदा का मैटर नहीं है, आम जनता का मैटर है और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं देख रही थी कि एक महिला किसी की बच्ची को लेके कूद पड़ी कि मैं बचा लूँगी उस बच्ची, न बच्ची बचा पाई न खुद बच पाई, और एक महिला तो विक्षिप्त हो गई जो अपनी बेटी को लेके कूदी थी, वो बिल्कुल विक्षिप्त टाइप की हो गई। मैं भी 2 घंटा उधर रुक के आई। 50 साल का अनुभव तो मुझे है, मैं जमुना जी किनारे के रहने वाली हूँ, मैं भी नौका से बहुत चली हूँ, लेकिन इतना बड़ा हादसा मैंने नहीं देखा और ये त्योहार के समय इतना बड़ा हादसा पूरा हिला के रखती है।